आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी पार्टी से डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब की जीत हो चुकी है कि अब ये डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब को तो धन्यवाद के अवाम आशीर्वाद करे, तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब अवाम को किस तरीके से पेश आएंगे? अवाम के साथ हम 24/7 जो भी काम होगा हम उनका काम पूरा करके देंगे बोल के मैं ये आश्वासन। ओके थैंक यू। वेलकम टू इंडियन न्यूज, मैं हूँ गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम धन्यवाद में, आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी पार्टी से डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब की जीत हो चुकी है क्योंकि पिछले कई महीनों से हुमनाबाद इलेक्शन पर पूरे कर्नाटका की नज़र थी क्योंकि इतना टफ इलेक्शन हो रहा था। ये इलेक्शन हम आपको बताना चाहेंगे, लगभग सिर्फ 1400 लीड से डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब की यहां पर जीत हो गई है। उसी जीत की जश्न हुमनाबाद डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब के घर पर किस तरीके से मनाया जा रहा है, तो आइए हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब के वाइफ हैं हमारे साथ में, बहुत खुश नजर आ रहे हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि इसी को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। तो मैडम, देखने में आ रहा था कि पिछले कई महीनों से हुमनाबाद में लगातार हर पार्टी वाले कोई बड़े बड़े वादे भी करते नजर आ रहे थे, फिर कोई कांग्रेस पार्टी से गारंटी कार्ड देते हुए नजर आ रहे थे, फिर जेडीएस पार्टी से पंचरत्न यात्रा के बारे में बता रहे थे, तो डॉक्टर सिद्धू पाटिल मोदी जी का विकास बताते हुए नजर आ रहे थे, तो डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब की आज जीत हो गई, तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं हुमनाबाद की जनता को पूरा तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, जो हमारे देवल वीरभद्रेश्वर का आशीर्वाद और हमारे जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद से हम यहाँ तक आए हैं। जो हमारे साथ हमारे बीजेपी कार्यकर्ता लोगों हैं उनका मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहूँगी। क्यों बोले तो उन्होंने दिन नहीं बोला, रात नहीं बोला, सब हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनके मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ जी। तो अभी जीत की तो खुशी अभी लगभग 15 मिनट हो गया, तो इस खुशी में कैसा महसूस कर रहे हैं मैडम आप? जीत महसूस करने का है। किसको याद करेंगे आप पहले? भगवान को जी, भगवान को याद करेंगे जी। तो पूरे कर्नाटका की नज़र हुमनाबाद इलेक्शन पर थी कि हुमनाबाद में आखिर कौन आएगा बोल के, तो आप डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब है, तो इसी को लेकर आप क्या? मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि नहीं हमारी जीत इस बार पक्का है बोल के जी। तो अभी डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब को तो हुमनाबाद के अवाम आशीर्वाद करे, तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब अवाम को किस तरीके से पेश आएंगे? आवाम के साथ हम 24/7 जो भी काम होगा हम उनका काम पूरा करके देंगे बोल के मैं ये आश्वासन। ओके थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब के वाइफ, तो हम उनसे जाने के डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब की जीत को लेकर आप क्या ये कहना चाहेंगे, वो सारी बातें आपके सामने रख चुके हैं। और डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब की वाइफ ये भी रख चुके हैं कि हुमनाबाद की जनता को 24/7 किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो वो हाजिर हैं। तो इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ 24/7 पर, क्योंकि हम आपको इसी पर थोड़ी देर में बताएंगे डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब भी इसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे।